क्या आप भी अपने मोबाइल से एयरबड्स हैं या फिर एयरपोड्स हैं कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आपके पास किसी भी कंपनी का एयरबड्स हो, ये देख सकते हैं इस तरीके से, और उसे आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं, और उसे आप कनेक्ट कैसे करते हैं इस वीडियो में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे एयरपोड्स है, ये हमारे पास रियलमी का है, ठीक है। आपके पास किसी भी कंपनी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एयरपोड्स को लेना है। एयरपोड्स को आप लेंगे तो उसे आपको यहाँ से इस तरीके से ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी इसमें जो इस तरीके से ये स्पीकर्स होते हैं, यानी आपको इस तरीके से अलग अलग रख देना है, निकाल के इस तरीके से मैंने रख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे ऐसा ही रख देना है, ठीक है, ये ऐसा ही खुला हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपने फ़ोन पे यहाँ पे इस तरीके से नोटिफिकेशन को नीचे की तरफ करना है, और यहाँ पे आपको देखेगा यहाँ पे ब्लूटूथ, ब्लूटूथ पे आपको दबा के रखना है, और यहाँ पे इस तरीके से ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे मोर सेटिंग पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ आप क्लिक करेंगे, इस ब्लूटूथ का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये देख सकते हैं आ गया है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पेयरिंग होगा। अब यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा ब्लॉक और कैंसिल और पेयर, तो पेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप पेयर पे क्लिक करेंगे ये कनेक्ट हो जाएगा। उसको इस डिब्बी को आपको बंद कर देना है, और ये एयरपोड्स हैं या एयरबड्स हैं ये आपको अपने कान में डाल लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा कनेक्टेड इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी वर्ड्स वायरलेस हो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा। वीडियो आपकी कैसी ली कमेंट में हमें जरूर बताइए। देखो आपके यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बना के दे दूंगा। इस वीडियो में जरूर बताइए कि आपके कनेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। वैसे कनेक्ट हो ही गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा। वीडियो कैसी ली कमेंट पर जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।